हेलो फ्रेंड्स ग्रीटिंग्स फ्रॉम जैन सर्जिकल हॉस्पिटल लास्ट टाइम जिस बारे में बात की थी दैट वी हैव स्टार्टेड अ कैम्पेन जनरल अवेयरनेस अबाउट पीरियड्स तो आज उसका पहला हम एपिसोड बता रहे हैं वी विल बी टॉकिंग अबाउट नॉर्मल मैंस्ट्रेशन नॉर्मल मैंस्ट्रेशन मतलब एक एवरेज नॉर्मल माहवारी किसे कहा जाता है इसे सुनने से आपको ये जानकारी मिलेगी कि यदि आप इसी कैटेगरी में आती हैं तो फिर हमें अपने आप को नॉर्मल मानना चाहिए और यदि इसमें नहीं आती हैं तो फिर हमें किसी डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है अभी एक नॉर्मल जानकारी दी जाएगी फिर एज स्पेसिफिक जानकारियाँ आने वाले सेशंस में दी जाएंगी माहवारी नॉर्मली किस एज की महिलाओं में आती है इंडियन सिनेरियो में बात किया जाए तो 11 से 12 साल से शुरू होके लगभग लगभग 50 इयर्स 50 कब किसी किसी सेंस में 55 इयर्स तक भी पीरियड्स चलते हैं अब पीरियड जब आता है मेरे पास जो पेशेंट्स क्वेश्चंस लेके आते हैं वो क्या क्या पूछते हैं उस आधार पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि एक तो हम पीरियड को काउंट कैसे करें मैडम जैसे कई पेशेंट्स आके बोलते हैं कि हमें बहुत जल्दी जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं अभी खत्म नहीं होता कि पंद्रह बीस दिन में दोबारा शुरू हो जाता है तो इसके लिए काउंटिंग हमेशा डे वन से शुरू करते हैं डे वन मीन्स जिस दिन पीरियड स्टार्ट होता है मान लीजिए किसी को फर्स्ट दिसंबर को ही पीरियड आया तो फर्स्ट दिसंबर महावारी का पहला दिन कहलाएगा ना कि जिस दिन ख़त्म हुआ यानी कि छः दिसंबर नहीं कहलाएगा एक दिसंबर ही कहलाएगा इसलिए कभी भी पीरियड के डेज की किसी भी वजह से काउंटिंग करनी हो तो कैलेंडर मेंटेनेंस के लिए जो पहला दिन होता है उसे ही मानते हैं और नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन या नॉर्मल महावारी 21 से 35 दिन में कभी भी रिपीट हो सकती है तो यदि किसी को एक तारीख को पीरियड आया तो और दोबारा 21 तारीख को आ गया तो वो नॉर्मल ही मानी जाएगी और यदि सवा महीने में आया तो भी नॉर्मल मानी जाएगी कितने दिन तक पीरियड चलते हैं किसी को एक दो दिन पीरियड आते हैं वह भी नॉर्मल है और छः सात दिन आते हैं वह भी नॉर्मल है इसलिए हमें यह नहीं कहना चाहिए कि हमें बहुत लंबे दिन तक पीरियड्स चल रहे हैं फिर एक कॉमन सवाल जो है कि मैडम हमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है बहुत ज़्यादा और कम कैसे पता चले तो सबसे पहले जैसे आजकल सभी तरह जगह चल रहा है एक तो हमें घर का कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना है मार्केट से सैनिटरी नैपकिनस ही लाने हैं और सैनिटरी नैपकिनस यदि हमें हर तीन घंटे में चेंज करने पड़ रहे हैं तो भी नॉर्मल है लेकिन यदि किसी को तीन घंटे से पहले चेंज करने पड़ रहे हैं तो वो एब्नॉर्मल की तरफ इशारा करता है दूसरा क्लॉट्स आ रहे हैं या नहीं सोकेज कहीं ज़्यादा तो नहीं है उस पर डिपेंड करता है कि महावारी कम है या ज़्यादा लेकिन हर तीन घंटे में बदले गए पैड नॉर्मल की तरफ ही इशारा करते हैं शुरुआत के एक दो दिन ब्लीडिंग ज़्यादा होना और उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाना ये नॉर्मल है लेकिन यदि किसी को सिर्फ तीन दिन भी पीरियड रहते हैं और उसमें भी कम कम भी आता है तो वह भी नॉर्मल की तरफ ही जाएगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा तो सफाई नहीं हुई ढंग से या आप जितना ब्लीडिंग निकलना चाहिए था वो नहीं हुआ और अंत में बात आती है पेन थोड़ा बहुत पेन होना डिस्कम्फर्ट होना नॉर्मल है लेकिन यदि इतना पेन है कि आप अपना नॉर्मल रूटीन भी नहीं कर पा रही और पलंग पर लेटने की आवश्यकता हो रही है काम पर नहीं जा पा रही तो डॉक्टर से मिलना बेहद जरूरी है यह एक छोटी सी जानकारी थी नॉर्मल महावारी के बारे में किस किस एज में क्या क्या और चीजें हो सकती हैं यह हम अगली बार बात करेंगे तब तक के लिए नमस्ते